स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सब तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय भीम बोलती हूँ। चर्चा की कड़ी में आज हमारे साथ है देव कुमार जी जो कानपुर से आते हैं, उनका परिचय आप खुद ही देंगे। उससे पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि स्वच्छकार समाज से आने वाले देव कुमार जी न केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता है बल्कि एक क्रिएटिव राइटिंग वाले भी है। उनकी एक छोटी सी लाइन के माध्यम से मैं अपनी चर्चा करने की शुरुआत करना चाहूंगी। जो हमारा अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट्स उन्होंने कैसे एक क्रिएटिव की तरह से लिया है, उन्होंने बताया है ए फॉर अंबेडकर, बी फॉर बुद्ध, सी फॉर छत्रपति, डी फॉर दिखाई नहीं दे रहा मुझे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, दीनाबाना वाल्मीकि जी दीनाबाना, ई फॉर एकलव्य, एफ फॉर फूले बाबा, जी फॉर गाड़गे बाबा, एच फॉर हर्षवर्धन, आई फॉर आयरन लेडी, जे फॉर जोगेंद्र नाथ, के फॉर काशीराम, एल फॉर लाखन पाशी, एम फॉर मता दीन भंगी, एन फॉर नारायण गुरु, ओ फॉर ओशो, पी फॉर पेरियार, क्वी फॉर कबीरदास, आर फॉर रविदास, एच फॉर सावित्रीबाई फुले, टी फॉर तुकाराम, यू फॉर उदा देवी पासी, वी फॉर बिरसा मुंडा, डब्ल्यू फॉर वामन दादा, एक्स फॉर झलकारी बाई, वाई फॉर यशोधरा, जेड फॉर जतादर डोम। ये तमाम जो अल्फाबेट आपने देखे इनकी एक अपनी क्रिएटिविटी है। अब आज चर्चा की इसी कड़ी में हम उनसे ही जानना चाहेंगे, वो तमाम अपना परिचय दें। देव कुमार जी, स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके जीवन परिचय से शुरू करना चाहूंगी। आप किस समाज से आते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, आप हमें अपनी जुबानी बताएं जी। देखिये, मेरा जन्म कानपुर में हुआ, लेकिन मेरे जो फोर फादर थे, मेरे पुरखे, वो उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है उस जिले के रहने वाले थे। और हमारे पिताजी कानपुर आ गए थे करीब 60-50 के दशक में, तब से वो कानपुर में ही थे। फिर यहीं पर उन्होंने बसने का फैसला लिया और यहीं पर हम लोगों का मेरा जन्म हुआ। सभी भाई बहनों का कानपुर में जन्म हुआ। जी, आप किस वर्ग से आते हैं, थोड़ा सा ये बताइए, समुदाय से, किस समुदाय से आते हैं? हमीरपुर में जो हमारा सफाई वाला जो समुदाय है उसको डोम, बसोर, डुमार इस तरह के नामों से जाना जाता है। और हमारे भी पुरखे गांव में सफाई का काम करना, ढोलक बनाना, जो भी पेशा हमारे लोग करते हैं पूरे देश में, जो भले ही किसी नामों से जाने जाते हैं, वही मेरा परिवार भी करता था। देव कुमार जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, कैसे आप पढ़े, माँ बाप क्या? मेरी सारी शिक्षा मेरे पिताजी पहले कानपुर में स्लाटर हाउस, जहाँ पर सुअर काटा जाता था, वहाँ पर वो सफाई कर्मचारी में भर्ती हुए। तो उसके बाद क्योंकि वो कुछ पढ़े लिखे थे तो प्रमोशन होकर के फिर वो सुपरवाइजर हो गए थे। तो उसके बाद हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा कानपुर में ही हुई। मेरी जो माँ थी वो सरकारी स्कूल में आया के तौर पर काम करती थी और मेरे पिताजी सुपरवाइजर थे। सारे भाई बहनों की हमारी शिक्षा कानपुर में ही हुई। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है जी। आप कैसे समाज के काम में जुड़े, सामाजिक कामों में, कहाँ से ये ललक आपके पास अंदर आई जो आप जो इतना सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया? मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारी माँ को जाता है। हमारी माँ भी बहुत ज्यादा सोशल विचारधारा की थी। वो जब वो खुद अपनी युवावस्था में थी तो बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ उनको तैयार करती थी, उनको बचत करना सिखाती थी। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को एक बैंक के रूप में देखा। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं, समाज की महिलाएं भी और प्रजात कई जाति की महिलाएं, उनके पास पैसा रख जाती थी और हमारी माँ उनके नाम पर खाता खुलवा करके उनके खातों में पैसा जमा करती थी और निकाल नहीं जाती थी। इतना मैंने खुद देखा, अपनी माँ को चलती फिरती बैंक के रूप में मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि ये प्रेरणा कहीं ना कहीं आई हमारे पिता और माता का जो हमें संस्कार मिला। तो मैं जन्म से ही जो मैं पैदा हुआ वो सांस्कृतिक विचार रुचि का पैदा हुआ। किताबें लिखना, चुटकुले लिखना, कविताएं पढ़ना, मिट्टी की मूर्ति बनाना, लकड़ी का काम है, दस्तकारी का काम है, ये बचपन से ही इस तरह के मेरे में शौक रहे। और वही जो बचपन में किसी छोटे रूप में था, एक खेल खेल में था, वही जीवन का एक अंग बन गया। देख कुमार जी, हम ये और जानना चाहेंगे, मेरे दर्शकों की तरफ से मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि जो जो
जो सफाई पेशा जातियां हैं, जो स्वच्छकार समाज की जातियां हैं, वो कैसे कैसे अनुभवों से गुजर के शिक्षा की तरफ बढ़ रही हैं, या आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहें जो समाज के लिए भी एक आइडल के रूप में हो, और कैसे आपके अंदर वो ललक पैदा हुई कि आपको इस तरीके के कामों को करना चाहिए। जी देखिए, मैं पहले तो सिर्फ मेरी विचारधारा में कला थी, मैं कविताएं लिखता था, चित्र बनाता था, मिट्टी की मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसका कोई मेरा कोई उद्देश्य नहीं था उस समय तक। लेकिन सन 90 के बाद मेरे मामा जी जो थे वो बुद्धिस्ट थे, अम्बेडकरवादी थे। मैं बचपन से ही उनको देखता था, हमारे घर में और मोहल्ले में उनसे बड़ी बहसें हुआ करती थी धर्म को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें मिल गई थी। फिर 90 के बाद जब मैं हाई स्कूल पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद, तब मेरे मामा जी ने मुझे वो किताबें जो बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित थी, भगवान दास जी की मैं भंगी हूँ किताब, ऐसी बहुत सारी किताबें उन्होंने मुझे पढ़ने को दी। और जब मैंने उन किताबों को पढ़ा तब मुझे लगा कि जो मैं अभी तक जिस सोच या जिस विचारधारा में था वो तो पूरी अंधकार की विचारधारा थी। इसी विचारधारा ने हमें गुलाम बनाने का काम किया है, और इन किताबों में जो कुछ लिखा है मुझे इन चीजों को समाज में लेकर के जाना है, ये मैंने तय किया। तो मेरे अंदर जो कलाएं पहले से मौजूद थी, वो चाहे चित्र बनाने की कला हो, नाटक लिखने की कला हो, या नाटक करने की हो, डायरेक्शन करने की हो, मैंने उन कलाओं का उपयोग किया। और मैंने 93 में नाटक लिखा दास्ता के नाम से, 5000 साल की गुलामी जो हमारा इतिहास है उसको मैंने नाटक के रूप में ढाला। और उस नाटक को लिखने के बाद पूरी समाज के नौजवानों की टीम तैयार की और उस नाटक को हमने मंचों पर करना शुरू। वहां से मेरी एक सोच को आधार मिलने लगा, मुझे एक दिशा मिलने लगी कि मुझे आखिर किस दिशा की तरफ बढ़ना। वो नाटक दास्ता मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो मैं फिर उस दिशा में बढ़ने लगा। पूरे देश में लगभग हिंदी भाषी राज्यों में सभी जगह में गया नाटक के माध्यम से। फिर और भी नाटक लिखे, बाबा साहब अम्बेडकर पर, भगवान बुद्ध पर, तमाम तरह के हिस्टोरिकल जो हमारे कैरेक्टर रहे हैं, जो भी राजे रजवाड़े भी रहे हैं दलितों में, उनके ऊपर मैंने तमाम सारे नाटक लिखे और उनका मैंने मंचन करना शुरू किया, जिसमें मुझे समाज में पहचान मिली और एक अच्छी उपलब्धि भी मिली। जी, कोई ऐसा अनुभव भी साझा करें जो कभी आपको ऐसा लगा हो कि समाज में ये जो उत्पीड़न है या छुपन है, खासकर स्वच्छकार समाज में, कोई ऐसा कोई अनुभव कभी हुआ हो? देखिए, हम क्या कहें कि हम लोग का तो पूरा जीवन ही उसी में गुजरा हुआ है, मेरा नहीं, हम सब का। उसमें से छांट करके निकाल पाना, मैं नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पूरे जीवन को उसी उत्पीड़न के रूप में देखता हूँ। बचपन से जब खेलते थे तब से लेकर के अगर किसी के घर में गेंद चली जाए तो हम लोगों को किस तरह से गाली दी जाती थी। हमारी ही दलित भाई जो हमारी बस्तियों में रहते थे वो भी हमसे छूत मानते थे, अगर उसके दरवाजे में धोखे से हमारा पैर पड़ जाए तो वो भी हमें हिकारत की दृष्टि से देखते थे। क्यों था ऐसा? तो, मैं कुमार जी आपको टोक रही हूँ बीच में, ऐसा क्यों था कि दलित जातियां भी हमें इतने घृणा की दृष्टि से देखे? दूसरी जातियां तो देखे ही देखे, अपने ही अपने भाई बंधु भी देखे। जी नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे कल तक मैं अज्ञानी था, मुझे नहीं मालूम था ये छुआछूत हमारे साथ क्यों होती है। ये तो हमें तब मालूम हुआ कि जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा। मुझे लगता है कि शायद वो भी इस चीज से अनजान थे कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है, शायद उनको भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करती। जी हाँ, तो आप, मैंने बीच में आपको टोक दिया था, आप गेंद की बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी, तो मैं ये बोल रहा था कि किसी भी रूप में, चाहे वो बस्ती से लगा करके स्कूल पढ़ने गए या स्कूल के बाद और भी कॉलेज में पढ़ने गए, वो ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई पल होता नहीं कि जो हमें अपमान का सामना ना करना पड़े। वो एक अलग बात हो गई कि वो अपमान सह जाना हमारी आदत बन चुकी है, वो हमारी आदत में इतना ज्यादा शामिल हो गया है कि हम बहुत बार प्रतिकार भी नहीं करते उसको, यूं ही फॉर्मल मान करके कि ये तो चलो होता ही रहता, और हम उसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर जाते। जी जी, मैं आज सुबह आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो मुझे कोटेशन दिखाई दी जो नरेंद्र वाल्मीकि ने भी डाला है आज आपके फेसबुक पे। जी, वोट से लेकर आज तक
झाड़ू से लेकर ताज तक, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये लाइन, इसलिए मैं कोट कर रही हूँ आपसे, आपसे ही उधार ले रही हूँ। वोट से लेकर राज तक, झाड़ू से लेकर ताज तक, एक दो सीटों की जंग नहीं है ये, एक दो सीटों की जंग नहीं है ये, हमें लड़ना है साम्राज्य तक। तो ये जो बदलाव जो एक लेखन के माध्यम से आप लेके आ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी आपका रचना क्रम, जैसे अभी एक किताब की चर्चा तो आपने की ही है, और जो आप तमाम जो सामाजिक रूप से भी एक काम कर रहे हैं सोसाइटी में, तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आप चाहते हैं कि इसको आगे तक लेके जाना चाहिए, या क्या आपका विजन क्या है? मैं अन्य लेखकों से अलग हूं जी। मैं लेखन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए लेख नहीं लिखता, ना मैं कविताएं इसलिए रचता हूं। मैं कविताएं भी लिखता हूं, मैं लेख भी लिखता हूं, मैं चित्र भी बनाता हूं, मैं गीत भी गाता हूं, मैं नाटक भी करता हूं, नाटक डायरेक्ट करता हूं, खुद भी अभिनय करता हूं। मेरे पास बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन कोई भी कला इसलिए नहीं है कि मुझे कलाकार कहा जाए। मैंने इन सारी चीजों को, जो मेरा लक्ष्य है, जो भंगी जाति का लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए माध्यम के रूप में इन सारी चीजों को चुना। मैं जो बोल रहा हूं, जो भी आपने जिस कोटेशन को पढ़ा, ये मैंने 2001 में इस चित्र को बनाया था 4:00 बजे। तब ये चित्र मैंने, मेरे दिमाग में था, मैंने बनाया कि जो झाड़ू सबसे नीचे की तरफ है, जिसका सिरा सबसे नीचे है, इसको सबसे ऊपर पहुंचना पड़ेगा। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब वो शुरुआत करती है, तो सबसे पहले उसको जो सबसे आसान जनता मिलती है, सबसे आसान वोटर मिलता है, वो वाल्मीकि समाज का होता है, भंगी जाति का होता है। वो हमारे पास आकर के अपना आधार बनाना शुरू करते हैं, और जब उनका आधार बन जाता है, हमको ही निराधार कर दिया जाता है, हमको निकाल करके वहां से भगा दिया जाता है। मैं कहता हूं कि जब सबको मालूम है, सब मेरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का इतने दिनों शासन रहा हो, तो चाहे आज बीजेपी का शासन है, या अन्य भी कोई भी आंदोलन आप देखेंगे, पूरे तमाम सारे सामाजिक आंदोलन को आप देखें, चाहे वो आर्य समाज का आंदोलन हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, गांधी जी की भूमिका को आप देख सकते हैं, वो किसी दलित जाति के घर में नहीं गए, किसी दलित जाति की बस्ती में नहीं गए, वो भंगी बस्ती में आकर के रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास कितनी ताकत है। और मैं अपने लोगों को यही बताना चाहता हूं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, और मैं उस ताकत को ही संगठित करके इस देश के अंदर साम्राज्य कायम करना चाहता हूं, और जानता भी हूं कि कैसे हम साम्राज्य तक पहुंचेंगे। मेरे पास एक पूरा विजन है, मैंने इतने दिनों में एक मार्ग खोजा है। लोग लिख रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास मार्ग है कि हम कैसे बढ़ेंगे और कैसे अपनी मंजिल को पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सामाजिक आंदोलन के बल पर हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सामाजिक आंदोलन महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें पकाने का काम करेगा। अगर हम स्वयं में पक नहीं पाएंगे, हम कभी भी किसी सत्ता के हकदार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सामाजिक आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक चेतना की तरफ ध्यान रखना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक जो कुंजी है वही तुम्हारे सभी राजनीतिक जो अधिकार है वो तुम्हारे सभी तालों की चाबी है। मैं समझता हूँ कि वो चाबी कहाँ पर है, ये मैंने खोज लिया है। अजय कुमार जी, स्वच्छकार समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या आप अपने आंदोलन को कैसे उनके बीच में लेकर जाना चाह रहे हैं? अंतिम रूप से मैं आपसे संदेश आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये जो जातियां हैं यहाँ तक पहुंची हैं, उनको आगे कैसे आप लेके जाएंगे, क्या आप संदेश देना चाहते हैं जी? देखिए, मैं कौशल जी, मैं संदेश तो कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि कहते हैं कि जब दर्शन बहुत गहरा होता है तो उसके बाद शब्द नहीं होते हैं, उसके बाद कृत्य होते हैं। मैं शब्दों में आज जो कहूंगा वो लोगों के समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जब करके दिखाऊंगा तब उनको लगेगा कि देव कुमार ने जो कहा वो वाकई में सच है। वो हो सकता है जो मैं कह रहा हूं, वो हो सकता है जो मेरी कल्पना है इस समुदाय को लेकर के, वो बिल्कुल निश्चित हो सकता है अगर लोग मेरी तरह से सोचना शुरू करेंगे, और मैं ये करके दिखाऊंगा। संदेश यही है मेरे समाज के लोगों से कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास हमारे पेशे की ताकत है, हमारे पास हमारे सामाजिक प्रेम की ताकत है,
हमारे पास, हमने जो इस देश के ऊपर, मानवता के ऊपर हजारों सालों से जो हमने परोपकार किए हैं, उनका जो उपकार किया है, वो ताकत हमारे पास है, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। किसी पुराने समय में भी या आज भी आप देखेंगे कि किसी अदर कास्ट के घर में अगर बच्चा ना बचता हो, बच्चे होते हुए होते हैं और मर जाते हो, तो उसको एक सलाह दी जाती है कि अपने बच्चे को बंगन की गोद में डाल देना। और जब वो महिला हमारी माँ बहन के गोद में उस बच्चे को डाल देती है और एक बार हमारी माँ उसको सीने से लगा करके उस बच्चे को वापस करती है, उस बच्चे को जिंदगी मिल जाती है। हमारे पास वो ताकत है, पर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इस ताकत का हमें इस्तेमाल करना है। हमारे पास बहुत ताकत है, हम अपनी ताकत के बल पर अपना सम्मान, अपना अधिकार और इस देश में सत्ता में भागीदारी हासिल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत आभार देवकुमार जी, आपने बहुत संक्षेप में ही पूरे अपने जीवन दर्शन को आप सबके सामने रखा, हम सबके सामने रखा। आपका ये सपना जरूर पूरा हो, ऐसी मैं सोचकर समाज की आवाज की तरफ से आपको मंगल कामनाएं देती हूँ। शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, बताइए। लोग सोचते हैं कि हमारे समाज का जो सूरज है ढल चुका है, वो शायद कभी उभरेगा नहीं, वो शायद अब कभी उभर करके नहीं आएगा। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों को उम्मीद बंधाते हुए कहना चाहता हूँ, मैं जिस मार्ग की बात कह रहा हूँ, मैंने जो रास्ता खोजा है, मैं कहता हूँ कि जिस रास्ते की मैं बात कह रहा हूं कि माना कि मग मशहूर नहीं है, माना कि मग मशहूर नहीं है पर चलो सवेरा दूर नहीं, माना कि मग मशहूर नहीं है पर चलो सवेरा दूर नहीं है, यकीन करो मेरे संग बढ़ो, यकीन करो मेरे संग बढ़ो, दूर बहुत मंशूर नहीं है, माना कि मग मशहूर नहीं। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं हमारी, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बड़े अभी कई लोगों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हमने क्यों इस जाति में जन्म ले लिया, हमारी सबसे बड़ी हमारे यही मुझे कष्ट है कि मैंने इस जाति में क्यों जन्म ले लिया। मैं लोगों से कहता हूँ, जाति में जन्म लेना या किसी घर में जन्म लेना हमारे बस में नहीं है, किसी घर में जन्म लेना, जाति में जन्म लेना हमारे बस में नहीं है, पर जाति को ताकत बनाना, जाति को सम्मान दिलाना हमारे वश में है। जो हमारे वश में है हम वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते हम उसका रोना रोना है। मैं जाति को ताकत बनाना चाहता हूँ, जाति ही ताकत बनेगी। मैं ना किस्मत को दोष देता हूँ, ना अपने माँ बाप को दोष देता हूँ, ना पेशे को दोष देता हूँ। हम इस पेशे के लोगों का, लोगों ने सदियों से इस्तेमाल किया है, हमारे पेशे का इस्तेमाल किया है लोगों ने अपने आंदोलनों के लिए। अगर आप कर्मचारी आंदोलनों के इतिहास को देखेंगे कि जब किसी कर्मचारियों की हड़ताल सफल नहीं होती है तो सफाई वालों को अपनी हड़तालों में शामिल कर लेते हैं, और जब सफाई वाले उनकी हड़तालों में आगे शामिल हो जाते हैं सबसे, तो उनकी समस्याएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब मेमोरेंडम बनता है तो जो सफाई कर्मचारी सबसे आगे होता है उसकी जो समस्याएं होती है वो सबसे नीचे लिखी होती है। इसलिए मेरे पास ताकत है, मैंने अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने बुरा काम किया है। मैं जानता हूँ वो ताकत कैसे इस्तेमाल की जाएगी। मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि किस्मत बैठी है हमसे रीझ कर, कौन कहता है कि किस्मत बैठी है हमसे रीझ कर, रूठ गई खुशियां हमारी, खो गई हैं खींच कर, बेदर्द कुदरत बेपरवाह बन बैठी है आंखें मीच कर, वक्त ने ही बाजबर रखा है हमको नीच कर। पर मैं कहता हूँ अदब से सजदे में नीचे शीश कर, मैं अपने समाज से लोगों से कहता हूँ, पर मैं कहता हूँ अदब से सजदे में नीचे शीश कर, कर लो यकीन मेरे संग चलो, हम लाएंगे सूरज खींच कर, हम लाएंगे सूरज खींच कर। बहुत बढ़िया, एक और छोटा सा अनुरोध करना चाह रही हूँ, हालांकि मैं बस टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक मुकड़ा किसी गीत का जरूर सुनाएं जो आपने लिखा। ठीक है, आज के संदर्भ में कहूंगा, हमारे वोट की हम कीमत नहीं जानते, दूसरे लोग जानते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी हो, है ना, सबने हमारा वोट लेकर के राजा सब बन गए, पर किसी ने हमको राजा नहीं बनने दिया। मैं कहता हूं
वोट से मेरे राजा बने सब पंजा कमल गजरा। हाँ वोट से मेरे राजा बने सब पंजा कमल गजरा। इस भूमि पर राज करेगा अब मेरा भी समान। इस भूमि पर राज करेगा अब मेरा भी समान। हाँ राजा पे हम राजा बनना है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम पहले भी इस देश के राजा थे और हमें फिर से राजा बनना है। जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम राजा थे। वही मैं कहता हूँ कि राजा पे हम राजा बनना है। कर लो प्रतिज्ञा इस भूमि पर राज करेगा अब मेरा भी समाज। इस भूमि पर राज करेगा अब मेरा भी समाज। मैं जो कह रहा हूं आपको मैं एक विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैंने सोचा था कि आपके ही चैनल पे बात कह दूंगा जो मैं घोषणा करना चाहता हूँ, शायद ये एक ऐतिहासिक एविडेंस बन जाए। अगर मेरी बात को लोगों ने समझा तो 2032-33 में इस देश का प्रधानमंत्री बंगी जाति का व्यक्ति बनेगा, वो चाहे महिला बने या पुरुष बने, हमारे समाज का व्यक्ति बने। वो रास्ता है, ये रास्ता है। आज की ये तारीख नोट की जाए, ये रास्ता है, हम जा सकते हैं वहां तक। आज कोरोना के माहौल में आप देखिए, सारे लोगों को घर में बिठा करके तनख्वाह दी जा रही है, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए की ऊपर से मदद की जा रही है, पर सफाई कर्मचारी आज भी काम कर रहा है और उससे पूरी ड्यूटी ली जा रही है। पूरी ड्यूटी लेने के बाद उसका वेतन भी काटा जा रहा है। कोई दलित आंदोलन भी निकल करके नहीं आता। मजदूरों पर तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं नंगे पैर चल रहे हैं, भूखे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके भी बारे में पूछो जिसने पूरे महीने मेहनत की और उसको वेतन नहीं पूरा दिया जा रहा है। सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी की पीड़ा को कोई देखने वाला नहीं। आपने सही बयान किया कि सफाई कर्मचारियों की पीड़ाओं को तो हम देख ही नहीं पा रहे। मजदूर हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं दिखाई दे रहे जो हमारे दलित भाई भी नहीं देख पाते। बिल्कुल एकदम मैं सहमत हूँ। चर्चा जी जी, बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे से शेयर की है और मेरी न केवल मंगल कामनाएं हैं बल्कि स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से हम आपके साथ मिलकर आपकी मुहिम में आपका साथ देने का वादा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चर्चा में यहीं तक आपसे इजाजत चाहूंगी। आपने अपना कीमती समय दिया। स्वच्छकार समाज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद।